राखी के त्योहार के एक दिन पहले शासन प्रशासन द्वारा बच्चों के माध्यम से राखी बंधवाने के साथ दिया गया मतदान का संदेश, स्कूल के छात्राओं द्वारा दिव्यांग जनों को बांधी गई राखी। राखी का त्योहार एक दिन बाद है, ऐसे में विदिशा शहर के तमाम स्कूलों की छात्र छात्राओं द्वारा राखी के पर्व को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वैप योजना के अंतर्गत आम जन के बीच मनाया। दिव्यांग जनों को राखी बांधकर मतदान के लिए दिलाया संकल्प। बच्ची देखिए, छोटी सी बच्ची राखी बांध रही है। आयुष्मान के रूप में दिव्यांग जाती बहुत बढ़िया। ये हमारे माधवगंज के मान तीन साल संस्कृत क्या कार्यक्रम है आज? हाई स्कूल माधवगंज क्रमांक एक हाई स्कूल प्राचार्य इंदुमती खरे, यहाँ माधवगंज के पहली से दसवीं तक के बच्चों ने राखी के माध्यम से एक संदेश विदिशा के नगर में देना चाह रहे हैं कि सभी अपने मत का उपयोग करें और मत जरूर दें। मतलब आज रैली के माध्यम से जागरूकता एक रैली निकालना है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दरअसल माधवगंज स्कूल के प्राचार्य और उनके बच्चों क्रमांक प्राचार्य, उनका स्टाफ और उनके छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर 14 फीट की राखी बनाई है जो आपको दिख रही है, और इस राखी के माध्यम से सब जगह एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है कि मतदान हमारा अधिकार है और उसको अधिक से अधिक हमें बढ़ चढ़ के मतदान में। आपने देखा कि उन्होंने जो हमारे प्रशिक्षण लोग हैं उनके माध्यम से राखी बांधी छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथ से बना, और उनके माध्यम से भी हमने ये प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्ग जो मतदान से अछूते हैं वो सब आगे बढ़ते आए और मतदान में।